हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का हमारे प्रिंस राज 100 चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे अपने फोटो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, वो भी DSLR जैसा। तो चलिए हम दिखाते हैं आप किस प्रकार। आपको यह जो एप्लीकेशन दिखाई दे रहा होम स्क्रीन पर, आपको सिंपल से जाना होगा प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर से आपको यह एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको ओपन करके दिखाते हैं यह वर्क किस प्रकार करता है। तो सबसे पहले आप इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का फेस इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आप गैलरी सेलेक्ट कीजिए। गैलरी से अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए, ये वाला हमने फ़ोटो सेलेक्ट किया। उसके बाद हम डन पे क्लिक कर देते हैं। डन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कुछ समय लेगा, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक फोटो ब्लर होके बाहर ही निकलेगा दोस्तों। और उससे पहले आपको बताइए, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दे। आते हैं आप लिए नए नए एप्लीकेशन की जानकारी। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ा समय ले रहा है। थोड़ा समय लेने के बाद आपको ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड को ब्लर करके देगा। आपको थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपको ये पूरा का पूरा ब्लर, तो ये देखिए दोस्तों, हमको सिंपल से जाना होगा यहाँ पे ब्लर बैकग्राउंड पे। अगर आप चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड को चेंज करना तो यहाँ से कर सकते हैं। तो सिंपल से हमको बैकग्राउंड को ब्लर करना है, तो चलिए हम आपको यहाँ से बैकग्राउंड ब्लर करके दिखाते हैं। ये देखिए पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है DSLR जैसा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। देखिए फेसबुक के नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ सेव कर सकते हैं। या आपका फोटो सेव हो चुका गैलरी में। तो आशा करता हूँ आपको ये बेटा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।